आने वाली 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय कोटन गुरु की ओर से श्रीमान मनीष डागा जी ने जो आह्वान किया है उसकी मैं सराहना करता हूं, उसको धन्यवाद देता हूं। कपास, कपास की खेती और कापड़ उद्योग पुरातन चिरंतन भारत में उसकी बहुत बड़ी नामना विश्व भर में भारत के उद्योग की रही है। कपास उगाने में भारत विश्व में अग्रिम देशों में से एक है। गुजरात भी आज कॉटन ग्रोअर स्टेटों में सबसे आगे वाले राज्यों में उनकी भी गणना हो रही है। कपास को लेकर हमारे संत तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में इनका जिक्र किया है, साधु चरित शुभ सरिस कपासु बिशद निरस गुण मय फल जासु। जैसे कपास का फूल उसमें रस नहीं होता है, रंग नहीं होता है, रूप नहीं होता है, ऐसे साधु का चरित्र भी इस कपास के फूल के समान होता है। तो साधु के चरित्र को कपास के फूल के साथ उन्होंने तुलना की है। ऐसे कपास को विश्व कॉटन दिवस के रूप में मनाने का जो प्रयास औरंगाबाद में श्री कॉटन गुरु के द्वारा मनीष डागा जी कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूं और सबको अपील करता हूं कि जिन जिन लोगों को अवसर मिले वो सब उत्साह भेर इस कॉटन दिवस की, कपास दिवस की, विश्व कपास दिवस की उस उजवणी का हिस्सा बने, उसके सम्मेलन में भाग लें। धन्यवाद।